अस्सलाम वालेकुम, सबा कुजीन में आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे हम लोग मुगलई चिकन की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ दिए हैं चिकन, ये आधा किलो चिकन है। इसमें डालेंगे हम लोग सबसे पहले नमक 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच और 1 नींबू का रस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसे करीब रेस्ट करने देंगे आधे घंटे के लिए। तो चलिए अब हम लोग बना लेते हैं आगे। यहाँ पे 2 चम्मच डाले हैं तेल सरसों, इसे गर्म होने देंगे। ये गर्म हो गया है, अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे 1 प्याज ग्रेट किया हुआ, प्याज का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया है प्याज का। डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच, इसे भी करीब 5 मिनट तक भूनेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी चेंज हो गया। इस टाइम पर हम लोग यहाँ पे चिकन डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे, यहाँ पे गैस कर देते हैं मीडियम। तो देखिए यहाँ चिकन करीब 5 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें हम लोग सूखा मसाला डालते हैं। यहाँ डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, यहाँ डालेंगे रेड चिली पाउडर 2 चम्मच, जीरा पाउडर डालेंगे आधा छोटी चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे भून लेंगे करीब 10 मिनट तक। अब यहाँ पर डालेंगे हम लोग नमक। नमक हम लोग पहले भी डाल चुके हैं मैरिनेट के टाइम 1 चम्मच, तो अभी यहाँ पे आधा चम्मच डालेंगे, फिर टेस्ट कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से भून चुका है 10 मिनट तक और हल्का सॉफ्ट भी हो गया है चिकन। इस टाइम पे हम लोग डालेंगे काजू पेस्ट, करीब 10 काजू लिए थे, सब पेस्ट बना देंगे। और अभी इस टाइम पे हम लोग डालेंगे दही, दही भी करीब 5 से 6 चम्मच है, उसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे दही का फिट करके। इस टाइम पे गैस में एकदम धीमा रखना है। अब इस टाइम डालेंगे हम लोग गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, अब डालेंगे इसमें कसूरी मेथी इस तरह क्रश करके। अब यहाँ पे डालेंगे आधा कप पानी, कर पकाएंगे 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए बनके तैयार है मुगलाई चिकन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।